अच्छा जनाब, तो ये भी मेट्रो स्टेशन के नीचे से हम गुजर रहे हैं। ये देख ले, मेट्रो स्टेशन इन्होंने ऊपर बनाया हुआ है, ऊपर जाने के लिए लिफ्ट लगाई हुई है और ये लाइन चलती जा रही है। ये भी रेड लाइन है, रेड लाइन हम पहले भी देख चुके हैं। ग्रीन लाइन अलग जगहों से गुजरती हैं, कुछ अलग स्टेशन हैं उसके, अलग एरियाज हैं, और रेड लाइन्स के अलग अलग स्टेशन हैं। तो मेनली जो सिटी है वो मतलब पूरी कवर हो जाती है इससे। लाजमी सी बात है, करीब जाने के लिए आपको बस लेनी पड़ती है या टैक्सी लेनी पड़ती है, लेकिन मेन एरियाज इससे इन स्टेशन से कवर हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि इनका जोन का सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, तो जोन के सिस्टम में आपका उसके हिसाब से आपका किराया लगता है, फेयर लगता है, और जो भी जोन में होंगे आप, तो जोन से जब निकल के दूसरे जोन में जाएंगे तो आपका ऐड हो जाएगा किराया उसमें, और एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके अलावा और थर्ड जोन में चले जाएंगे तो और ज़्यादा किराया लग जाएगा। और बस में, मेट्रो में या जो भी ये हैं, इनमें चढ़ते हुए आपको ये कार्ड पंच करना पड़ता है, और जब आप इनसे उतरते हैं तो फिर आपको दोबारा पंच करना पड़ता है। तो पंच इन पंच आउट दोनों से हिसाब लग जाता है कि ये बंदा किस जोन से बैठा है और किस जोन में उतर रहा है। तो बेहतरीन सिस्टम है ये सिस्टम को कंप्यूटराइज किया जाए, डेटा को सेव किया जाए, डेटा को अलग अलग सेंटर्स में रखा जाए, तो काफ़ी आसानी हो जाती है हर एक काम में, भले वो प्रॉपर्टी का काम हो, भले वो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, लोगों के रिकॉर्ड रखने का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, उसको कंप्यूटराइज किया जाए और डेटा जो है वो संभाला जाए उसका, तो ये बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं, और ये लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की। मैंने इतना भी सुना हुआ है कि 2020 तक 2020 तक इनका प्लान है कि दुबई में कोई भी काम जो होता है गवर्नमेंट का, आपका जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होता है वो पेपर बेस ना हो, वो सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। तो अगर आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें स्टार्ट कर भी चुके हैं ये लोग, यहाँ पे जब आप एक्सीडेंट करते हैं तो पुलिस आता है, अगर आपकी गलती होती है तो आपको रेड पेपर दिया जाता है, अगर दूसरे की गलती जिसकी गलती नहीं होती है उसको ग्रीन पेपर दिया जाता है, तो इस तरह मैनुअली लिखा जाता था। अब नया सिस्टम जो ये लोग फॉलो करने की स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें आपको सिर्फ आपका नंबर वगैरह पुलिस जब ले लेता है वो अपने टैबलेट में या आईपैड में डाल देता है सारी इन्फॉर्मेशन, तो आपको सिर्फ टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, उस टेक्स्ट मैसेज से उसमें लिंक होता है, वो लिंक आप उसके लिंक को जब क्लिक करते हैं तो मोबाइल में या कंप्यूटर में फॉरवर्ड करने के बाद तो वो जो रिपोर्ट होती है पुलिस की उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसको अगर आपने प्रिंट करना हो तो उसको प्रिंट की ज़रूरत होती है तो प्रिंट कर सकते हैं, नहीं हो तो ना करें। तो मतलब ये एक मिसाल दे रहा था मैं, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ों को ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर चुके हैं ये लोग, कि बिल्स जितने भी हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्स जितने हैं या और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जितनी हो जिस इसकी हो उन सब को इलेक्ट्रॉनिक बेस किया जाए, पेपर बेस से हटा के सब काम कंप्यूटर्स पे हो, और आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो ही आप टिकट के लिए भी यूज़ करें, हवाई जहाज़ के और चीज़ों के, बोर्डिंग पास के लिए भी यूज़ करें, आपको पेपर्स हाथ में लेके घूमने की ज़रूरत ना हो। तो ये स्टार्ट तो कर चुके हैं, आगे करेंगे मज़ीद इंशाल्लाह।
मैं फिर गलत आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा जी, मैप को ऑन करना पड़ेगा मुझे सुनने के लिए, क्योंकि दिमाग में जो मैप बैठ जाता है बंदा वहीं चला जाता है। मैंने जाना कहीं और है, मैं किसी और रोड पे आ गया। तो सारी चीजें हैं यहाँ पे जनाब, लाइफ का हिस्सा है। और ये जहाज ने टेक ऑफ किया, और कौन सी एयरलाइन है पता नहीं। ये मेट्रो गुजर गई है हमारे सामने से। ये रेड लाइन जो है ये आपको एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करती है, टर्मिनल 1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है टर्मिनल 3 से एयरपोर्ट के। यहाँ पे 3 टर्मिनल हैं दुबई एयरपोर्ट के, दुबई यानी DXB, तो उसके 3 टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 इन्होंने स्पेसिफिकली इमिरेट्स के लिए बनाया हुआ है, वहाँ सिर्फ इमिरेट्स के जहाज लगता है, और टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 में बाकी एयरलाइंस जाती हैं। तो टर्मिनल जो है वो उस बिल्डिंग को कहते हैं जहाँ पैसेंजर इन करते हैं या जहाँ से आउट करते हैं, और उसके अलावा अंदर एक और बिल्डिंग्स होती हैं जिनको कनकोर्स कहा जाता है, CONCOURSE। वो जो है उसमें डायरेक्टली जहाज आके उस ब्रिज उस बिल्डिंग के साथ लगते हैं, मतलब उस बिल्डिंग से ब्रिज निकले होते हैं, वो ब्रिज जहाज के साथ कनेक्ट होते हैं, तो पैसेंजर जहाज में से निकल के ब्रिज में से होते हुए उस बिल्डिंग में आ जाता है। फिर उस बिल्डिंग के बीच में और टर्मिनल के बीच में, कनकोर्स के बीच में और टर्मिनल के बीच में या बसेस के जरिए जाते हैं, या अंडरग्राउंड रास्ते बनाए होते हैं, या अंदर रेलगाड़ियाँ भी चलती हैं, या ऊपर से रेलगाड़ी चलती है। बहरहाल मुख्तलिफ तरीकों से फिर हम लोग कनकोर्स से टर्मिनल की बिल्डिंग पे आते हैं। तो टर्मिनल की बिल्डिंग पे आने के बाद जो इमिग्रेशन होता है या बैगेज कलेक्शन होता है, क्लेम होता है, जो भी होता है वहां से होता है। मुझे खांसी हो रही है कुछ दिनों से। अच्छा, तो बता रहा था किसके बारे में, मैं बता रहा था मैं भूल गया मैं किस चीज के बारे में बता रहा था। मेट्रो के बारे में बता रहा था, नहीं देखिए दिमाग से निकल गया है कि क्या बता रहा था मैं। Hello. Hi, Nasir. Nasir, are you in HQ? I left the HQ. Yeah, tell me. No, it's okay. I have a claim. They just responded back saying go to the 6th floor to collect it. So it's okay. Tell them to send the U-book, no? Yeah, I don't know if they'll do it, but it's okay. Come back. Okay. Do you want me to go back? No, it's fine. Okay. Thank you. No Bye. Problem. Bye. अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था किस चीज़ के बारे में, कॉल आ गई, कॉल से पहले तो मैं भूल गया था किस चीज़ के बारे में बता रहा था। कनकोर्स और टर्मिनल के बारे में बता रहा था। टर्मिनल की बिल्डिंग अलग होती है, कनकोर्स की अलग होती है, और टर्मिनल 3 में इमिरेट्स एयरलाइंस, ये आपको राइट साइड पे जो नज़र आ रही हैं ये सारी इमिरेट्स की हैं,
Emirates Airlines लगती हैं और टर्मिनल वन में PIA लगता है आजकल मेरे ख्याल में और कौन से एयरलाइंस और जो नॉर्मल जहाज हैं जितने भी एयरलाइंस हैं वो लगते हैं जो बजट एयरलाइंस हैं जो छोटी एयरलाइंस हैं जिनकी जहाज नैरो बॉडीड जहाज जिनके होते हैं वो यूजुअली टर्मिनल वन के पास लग टर्मिनल टू के पास लगते हैं वो टर्मिनल टू का जो एयरपोर्ट है थोड़ा सा छोटा सा है मतलब कंपेयरिंग टू टर्मिनल वन एंड टर्मिनल थ्री वो बहुत बड़े हैं तो पैसेंजर्स को टर्मिनल से लेके उनकी कनकोर्स की कोई बिल्डिंग नहीं है मैदान में जहाज खड़े होते हैं तो वहाँ लेके जाने के लिए कनकोर्स होता नहीं है तो मैदान में लेके जाने के लिए टर्मिनल से डायरेक्टली बसेस चलती हैं और वो जहाँ पे जहाज पार्क होता है जहाज की पार्किंग को बे कहते हैं उस बे में उसको ले जाते हैं बसेस में तो ये दुबई के अंदर जो एयरपोर्ट है दुबई सिटी के अंदर जो एयरपोर्ट है ये वो वाले एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ नॉर्मली हम लोग वहीं से आते जाते हैं अभी जो नया एयरपोर्ट शुरू किया है इन्होंने DWC दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंट्रल दुबई वर्ल्ड सेंट्रल वो उसमें से कार्गो ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं इस टाइम पे और कुछ रशिया के कुछ जहाज रशिया से आते हैं पैसेंजर्स के वो वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं तो बाकी एयरलाइंस को काफ़ी को इन्होंने ऑफर किया था वहाँ जाने के लिए PIA को भी कहा था इन्होंने जितना मेरे सुनने में आया है PIA को भी इन्होंने ऑफ़र किया था लेकिन बहुत सारी एयरलाइंस ऐसी हैं कि वहाँ जाने से डरती हैं उसकी वजह ये है कि वो सिटी से बाहर है एयरपोर्ट और शटल बसेस वगैरह स्टार्ट की हुई है इन्होंने लेकिन अभी तक प्रॉपर सिस्टम जो है वो प्रॉपर सिस्टम मीन्स के वाइडली नोन सिस्टम को ये सब स्टार्ट नहीं हुआ है DWC के लिए तो लोग वहाँ जाने से डरते हैं जब लोग वहाँ जाने से डरते हैं तो एयरलाइन लाजमी डरेगी क्योंकि एयरलाइन को लगता है कि वहाँ जाएंगे तो उनके सारे पैसेंजर्स उनको छोड़ के जा सकते हैं तो इस वजह से एयरलाइंस इवन दो कि वो लोग लैंडिंग फीस वगैरह उनको वहाँ पे माफ़ की हुई है उनसे वहाँ पे बाकी जो हिसाब किताब दुबई के एयरपोर्ट के मुकाबले में उनसे बहुत कम या नहीं ले रहे हैं या बहुत कम ले रहे हैं लेकिन फिर भी एयरलाइंस वहाँ जाना नहीं चाहती हैं ये रोड सीधा जा रहा है शारजा की तरफ ये टनल जो जा रहे हैं ये गाड़ियाँ लेफ्ट साइड में आपको जो नज़र आ रही हैं हम लोग तो लेफ्ट जाएंगे सिग्नल से तो ये जो गाड़ियाँ आपको सीधी जाती हुई नज़र आ रही हैं लेफ्ट साइड से ये आगे टनल है जिसको पाकिस्तान में क्या कहते हैं अंडरग्राउंड नहीं कहते हैं क्या कहते हैं कुछ और कहते हैं अंडरग्राउंड ग्राउंड का जैसा कोई नाम है यहाँ पर टनल कहा जाता है तो ये सीधा रोड जा रहा है शारजा की तरफ और इस वक्त यानी हमारा जो रुख है वो शुमाल की तरफ है तो ये रास्ता शुमाल की तरफ है और पीछे जुनूब की तरफ जाता है हेलो बद्वी एज़ वेल अनदर बिग हेल्प या ऑन योर वे इज देयर एनी केक शॉप Yeah. We have in Karama, but it's not in the way. I have to go to the right or left. Nothing on the way. It's okay. Yeah, tell me. I need 1/2 kg cake. 1/2 kg. Okay. Because. Okay. Yeah. Because 1 kg is so expensive, so I'm looking for 1/2 kg cake. Okay. Is it possible? I will check in the shop. I'm not sure. I'll check in the bakery. It should be like 60-70. Should be less 60 only. You'll check for me. Yeah, I will. When I will reach there to the, in the shop, I will let you know.
Which cake do you want, by the way? You have checked with the Big Mart? Yeah, I checked with the Big Mart. Have you checked with the Mr. Baker? Mr. Baker, I'll call them. No. Okay, you check and let me know. Yeah, yeah. And there is one another shop. There is one more shop. I don't remember the name, but let me check in the map. Okay, Mr. Baker. Okay, or otherwise, we have a shop very near to us. That is French Bakery. You can check there also. French Bakery. Yeah. That has cakes as well. Yeah, they have cake. French. Yeah, they have cake. Okay, fine. Okay, I'll check that. I'll give you a call. Okay, bye. अच्छा जनाब, तो सिग्नल खुल गया है और चलते हैं. इस पिकअप वाले को समझ नहीं आ रहा है कि इसने जाना कहाँ है. कभी लेफ्ट करता है, कभी राइट करता है गलत जगहों से. ये जो लाइन है गालबन, ये ग्रीन लाइन है. इससे पहले हम रेड लाइन देखते रहे. इसके तो नजर ही नहीं आ रहे हमें यहाँ से. साइडों में कलर जो किया होता है इन्होंने. और जनाब वाला, ये मशहूर जगह आ गई है, होर अल अंस. और हमारे कुछ भाई इसको कहते हैं होर, क्या कहते हैं, अवर लंच कहते हैं कुछ लोग. इस हमारे कुछ लोग इसको कहते हैं अवर लंच. और ये काफ़ी पुराना एरिया है. ये एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने वाला एरिया है. बहुत सारे लोग जो एयरपोर्ट में काम करते हैं वो यहाँ रहने को मुनासिब समझते हैं, क्योंकि नज़दीक है और पैदल भी कुछ स्टाफ आता जाता है एयरपोर्ट वाला यहाँ पे. लेकिन बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह है, पार्किंग बहुत मुश्किल से मिलती है. और बाकी आपके सामने हैं, आप घूम रहे हैं, इसमें देख रहे हैं यहाँ के लोग.